अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं बशम और मैं हूं शफा यूसुफ। तुम्हारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। 9 साल की उम्र से स्विमिंग में बड़े बड़ों को सिर्फ हैरान ही नहीं किया बल्कि हराया है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ये पार्टिसिपेट करती रही हैं। ब्रिटिश नेशनल, ब्रिटिश पाकिस्तानी नेशनल हैं आफिया मिन्हास और उनके वालिद साहब भी हमारे साथ हैं, हामिद मिन्हास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आफिया, हाउ आर यू? गुड, आई एम फाइन थैंक्स। पानी तो नहीं याद आ रहा है इस वक्त इधर। अच्छा, you're very competitive and you've competed in, you know, international championships. How does it feel when they announce that Afia Minhas is the winner? It's amazing. You just feel like all the hard work has paid off and you just feel really grateful and really happy, like excited. Acha, to kaun si aise events hain jisme aapne participate kiya, aapko medals mile jo aapne bahut sare pehne hue? 200 free, 100 free. कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ भी वो इवेंट्स भी बता सकती हैं कि कहाँ कहाँ हुए ये कॉम्पिटिशन्स? The race I'm about to tell you happened yesterday and the day before. Okay. It was age group nationals in the sports complex. I did 200 free and 100 free, 200 back, 100 back, 100 fly and 50 free. यानी कि आपकी उम्र की जो लड़कियां थी वो आपके साथ मुकाबले में थीं और ये नेशनल एक चैंपियनशिप थी जिसका नाम था इस चैंपियनशिप का एज ग्रुप, सो इट्स एज ग्रुप नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप जिसमें आपके एज के ही कंपीट थी। आपकी एज के या आपकी डिफरेंट स्लैब्स बनाई होती है, आप अपनी एज के साथ ही स्विम करते हैं। तो पिछले साल भी ये हुआ था अप्रैल में, इस साल थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन ये कि अभी कल ये ख़त्म हुआ है तो 2 दिनों का कंपटीशन था और हर साल ये डिफरेंट जगहों पे करते हैं। तो लास्ट ईयर लाहौर में था, इस बार इस्लामाबाद को ये मौका मिला था। और कितने इस तरह के चैंपियनशिप्स में, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया जहाँ मेडल भी मिला या इनाम मिला? अल्हम्दुलिल्लाह, आफिया हैज़ बीन लकी, इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में मेडल्स ही मिलते हैं। तो हमारे पास तो बहुत बड़ी अलमारी है, उसके अंदर सारे इसके मेडल्स हम जाकर लिटरली डंप जगह भी नहीं बची है। अब हम डंप कर देते हैं, पहले तो हम बड़ी इज्जत देते थे, अब ये कि हम लेते हैं मेडल जाकर सारे रख देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ बीन वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट। लेकिन जो पाकिस्तान के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, 2 मेन कॉम्पिटिशन्स हैं, एक एज ग्रुप है जो अभी ख़त्म हुई है, इसके बाद एक नेशनल है, वो ओपन नेशनल है। उसके अंदर आप ओपन एज होती है तो आप किसी भी एज के जो अच्छे स्विमर्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आफिया के लिए इंशाल्लाह ये पहला मौका होगा लाहौर पाकिस्तान के अंदर जहाँ ये ओपन नेशनल्स के अंदर कम्पीट करेंगी। अच्छा, मतलब खुद उसके अंदर बड़े लोग भी आप जी, आप उसमें अगर आपके टाइम्स अच्छे हैं तो आपसे छोटे भी हो सकते हैं और आपसे बड़े भी हो सकते हैं। आफिया अभी 12 साल की है तो एक बड़ी अच्छी यंग एज है जहाँ पर ये कम्पीट करेंगे, बहुत मतलब इज्जत की बात है। नर्वस है आफिया? नर्वस है क्योंकि आपकी एज से बड़े लोग आपके साथ कम्पीट कर रहे होंगे? या बिकॉज दे हैव बीन स्विमिंग फॉर मच लॉन्गर एंड दे हैव मोर एक्सपीरियंस and it's the first time that I'm going to be swimming against them, so I'm nervous but excited as well because acha aap manchester bhi maybe aapne championships ya is kisam ki competitions mein hissa liya? stereotypes hote hain zahir hai ke bartanvi nijat jo pakistani hain wo kis kisam ke hote hain, aapko lagta hai ki aapne ye stereotype jo hai usko toda hai, thoda break kiya hai? Yeah, I have. At first everyone thought that I was going to be like really slow, but then after some competitions everyone was like, oh no, you're really fast, and then like as soon as I started to break that stereotype and now everybody's like really comfortable with it. एक जो स्टेरियोटाइप है वो यही है कि देखा नहीं जाता कि पाकिस्तानी खवातीन स्पेशली कि उनमें इतना स्किल होगा कि जहाँ पे वो कंपैरेटिवली स्विम करेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफिया और पाकिस्तान में भी इस तरह की बहुत अच्छी स्विमर्स हैं हमारी जो कि बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं। कई बार उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह कोचेज बहुत अच्छे हैं, स्विमर्स बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। सिर्फ एक चीज़ जो यहाँ पर लैकिंग है वो इनके रिसोर्सेज और प्लस इनको जो ट्रेनिंग मुहैया की जाती है। तो अल्लाह करे कि यहाँ की जो हमारी जो फेडरेशन है हमारे कोचेस को, टेक्निकल स्टाफ को ये बाहर के मुल्कों में भेजें ताकि लोग ट्रेन होकर अपने स्विमर्स को नई टेक्निक्स बता सकें। इसी तरह जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे कई बार उनको मौका नहीं मिलता स्विम करने का, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल तो है लेकिन वो टाइम नहीं देते। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि अगर आप प्रोफेशनल स्विमर हैं तो बेशक आप वापडा के लिए स्विम कर रहे हैं, पंजाब के लिए कर रहे हैं, सिंध के लिए कर रहे हैं, आप मुल्क में जहाँ भी जाएं आपको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे आप किसी भी प्रोफेशनल पूल में जाके स्विम कर सकें। अच्छा आफिया, इज ही एज गुड एज अ स्विमर एज यू आर? ही टोल्ड मी दैट व्हेन ही वाज यंग ही स्वाम, बट नाउ दैट ही इज गेटिंग ओल्ड ही इज नॉट एज गुड एज स्विमिंग, बट ही इज स्टिल अ प्रीटी गुड स्विमर फॉर हिज एज। आफिया, मेरा कंपटीशन हुआ था। अच्छा हुआ था? हाँ जी,
ہم اوورسیز چھٹیوں پہ تھے, دبئی میں تھے, تو وہاں پہ میرا اور ان کا کمپٹیشن ہوا تھا. یہ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے اور میں کافی جوش میں تھا. میں کہا میں ہرا دوں گا, چھوٹی بچی ہے, بچی ہے, کوئی بات نہیں. میں مجھے میں نے پھر ان کو کہا پلیز ویڈیو بھی کرنا, میں ان کو ہرا کے پھر ان کو دکھاؤں گا جب بڑی ہوں گی. تو لیکن ہم نے ڈائیو کیا, میرے خیال میں میں نے کوئی 5 میٹر کیا ہوگا, میرا سانس پھول گیا اور عافیہ ابھی وارم اپ, مطلب ابھی تو اس نے ڈائیو ماری اور پھر ماشاء اللہ شی جوائنڈ ویری فاسٹ. تو اگین اگر ہم اسٹریٹ ٹائپس کی بات کرتے ہیں, مجھے یاد ہے دبئی میں تھے اور اگین وہاں پہ سارے گورے بھی تھے اور عربی بھی تھے. وہاں میں دیکھ رہے تھے ہم ایک ایشین فیملی آ رہی ہے, پاکستانی فیملی آ رہی ہے اور ہم آبویسلی ڈیپ اینڈ کی طرف جا رہے تھے سوئم کرنے کے لیے. وی نیو کہ وی کڈ سوئم, لیکن وہ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ شاید ابھی ان کو ڈائیو مارنی پڑے, ہمیں بچانا پڑے. لیکن الحمد للہ جیسے ہم اندر گئے اور سوئم کیا تو ان کو ریئلائز ہو گیا کہ دے آر گڈ سوئمرز. فار پاکستان اگین ماشاء اللہ دا ٹیلنٹ از دیئر, کافی لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. جس طرح کے ریسورسز ہیں اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو دے ہیو پرفارمڈ ایکسٹریملی ویل. اور یہی بات ہے کہ سوئمنگ اور بالخصوص اسپورٹس کو زیادہ اپرچونیٹی دینی چاہیے اور آف کورس اسی سے ہی ہمارے ملک کا نام بہتر ہوگا. آئی تھنک ہمارا ملک جانا جاتا ہے ہر غلط ریزن کے لیے جو کہ ڈسکریڈٹ ہے ہمارے لوگوں کے لیے. اگر آپ دیکھیں ہمارے بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, آپ ایجوکیشن میں لے لیں, اسپورٹس میں لے لیں, بیچاروں کو اس سے فیسلٹی مہیا نہیں ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیں, تھوڑا سا اس کو بہتر کر دیں, دے ول گو مائلز. دے ول وی آر سو پراؤڈ کہ الحمد للہ عافیہ از ان اے پوزیشن جہاں پہ پاکستان کی اسپیشلی جو سوئمنگ ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکتی ہیں کہ پاکستان میں بہت اچھے سوئمرز ہیں. اچھا عافیہ, پروفیشنل سوئمنگ کیوں, کمپیریٹیو سوئمنگ کیوں؟ When we were doing casual swimming when I was about 5 or 6, I really liked swimming and I was really enjoying it. Then my parents asked me if I can if I want to be something when I'm older, like an Olympic swimmer, and I was like, yeah, of course I want to be it. So that's when we started like doing swimming competitively, and that's when I joined City of Manchester. Lekin pehli dafa jab swim kiya tha isi tarah she was a natural. الحمد للہ شی واز نیچرل. آف کورس ایز اے پیرنٹ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے کی کیا اسٹرینتھ ہے. جس طرح آف ایئر ہم بات کر رہے تھے, میری بڑی بیٹی ہیں رانیہ اور میری سب سے چھوٹی بیٹی ہیں رائمہ, وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی سوئمرز ہیں, لیکن وہ کمپیریٹو نہیں کرتی. آپ ایز اے پیرنٹ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا بچہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. جس طرح پاکستان میں ایک اسٹیریو ٹائپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایک بچہ سوئمر ہے تو آپ کہتے ہیں میرے سارے بچے ہی آپ سوئمنگ کریں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اسپیشلی کمپیریٹو اسپورٹ کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ امیجن کر سکتے ہیں ان کی ٹریننگ میرے خیال میں دن میں تقریباً 4-5 گھنٹے روز اور یہ ڈیورنگ اسکول ڈے ہے, اسکول اس میں اسکول بھی جائیں گے تو وہ بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ ویٹ بھی کبھی گین نہیں کریں گے, سلم ٹرم رہیں گی, تبھی یہ میرا مذاق اڑا سکتے ہیں, مطلب آپ بہت ویٹ گین کر گئے. تو لیکن آپ کو کمپیریٹیولی آپ کو جب آپ سوئم کر رہے ہیں یا اسپورٹ میں آپ حصہ لے رہے ہیں, مینٹلی آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے کیونکہ ٹریننگ اتنی ٹف ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جیت اور ہار, جب آپ ہارتے ہیں تو کئی بار آپ بہت ڈاؤن رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے. اس میں آبویسلی جس نے آپ کو ہرایا ہوا ہے, آل کریڈٹ ٹو دیم کہ اٹ واز دیئر ڈے اینڈ دے آبویسلی مائٹ ہیو ٹرینڈ لٹل بٹ مور ہارڈر دین یو. تو لیکن تسلیم کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اسپورٹس مین اسپرٹ ہیز ٹو بی دیئر. اسپورٹس از آل اباؤٹ اسپورٹس مین شپ اینڈ اسپورٹس مین اسپرٹ. So you have to be very humble in winning and gracious in defeat. You learn a lot. Acha Hamid sahab, lekin off air aapne hume kuch bataya tha ki pehli dafa jab pool mein gayi thi Afia to phir kya hua tha? Allah kare mere paas uska video hota phir to main aapko clip bhi deta uska. Pehli dafa Afia ko jab humne pani mein dala, Afia bahut rohi. Hamari badi beti swimming karti thi, unko hum le jate the kyunki بیبی سیٹر نہیں تھا ہمارا خیال تھا ان کو بھی ہم سوئمنگ میں ڈال دیں گے. عافیہ پہلے بار پانی میں گئی, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی, وہ تو روتی رہی. پھر اسی طرح ایک دو ہفتے گزرے جہاں پہ ایوری ڈے مطلب شی وڈ کرائے. تو لیکن الحمد للہ پھر یہ ہوا کہ سلولی شی اسٹارٹ انجوائنگ دا فیل آف دا واٹر. نیچرلی جب ایک بندے کو یا ایک ہیومن کو آپ پانی میں ڈالتے ہیں ایک فیئر ہوتا ہے ڈوبنے کا. ایک بار آپ اس فیئر کو اوور کم کر لیں پھر بہت آسان ہے. اور پانی الحمد للہ آپ کو مطلب بوائنسی دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ ڈوب جائیں گے آپ اسٹرگل نہ کریں. تو لیکن عافیہ کی یہی اسٹوری ہے کہ بہت روئی تھی پہلی بار سوئمنگ میں. عافیہ, ہاؤ ڈڈ یو اوورکم دی فیئر, یو ریمبر؟ نو, آئی ڈونٹ ریمبر ایٹ آل. سو یو آلویز ریمبر انجوائنگ بینگ ان دی واٹر, لوونگ اٹ؟ آئی ہیو آلویز لائک واٹ آئی ہیو آلویز ریمبرڈ می بینگ لائک لوونگ ٹو بی ان دی واٹر. آئی نیور ریمبر فیئرنگ اٹ. جب ہارتی ہیں تو پھر کیا محسوس کرتی ہیں؟ وین آئی لوز آئی فیل بیڈ بٹ آلسو گڈ, لائک cuz I know what I next time I need to do and what I shouldn't do because like I learn.
एक लर्निंग एक्सपीरियंस है टू बी ऑनेस्ट. लाइफ के किसी भी हिस्से में आप फेलियर से दो चार होंगे. इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग तो वही होते हैं जो सीखते हैं ना. बहुत लाजमी है कि आप अपनी गलती से सीखें, आप अपनी जो आपकी जो छोटी मिस्टेक्स हैं आप उससे सीखें. वही आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा. इंसान गलतियों को पतलाए और आपको ज़्यादा मोटिवेशन होती है. आफिया की अच्छी बात यह है और मेरे ख्याल में हमारी जो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब वो हार जाएँ सोचें क्यों हारे हैं, लेकिन प्लीज़ उसको अपने जहन में बिठाएं ना, क्योंकि टुमारो इज़ अ डिफरेंट डे. तो आप उसके बारे में सोचें ज़रूर, कोशिश करें आप अपने आप को इम्प्रूव करें. लेकिन जब अगले दिन दोबारा आएँ स्विमिंग करने या स्पोर्ट्स में या क्रिकेट खेल रहे हैं आप, तो प्लीज़ कम विद अ डिफरेंट माइंडसेट. ये आपने सिखाया था या आफिया में पहले से ये महसूस करती थी? काफ़ी नेचुरल थी इसमें, लेकिन कुछ स्पोर्ट्समैन यानी कि टीम के जब हम देखते हैं मैनचेस्टर में तो कई बार वो बहुत डाउन हो जाते हैं. तो फिर कोचेज और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको इनकरेज करना और कहना कि इट्स अ न्यू डे टुमारो, वर्क हार्ड एंड इंशाल्लाह यू विल ओवरकम. तो पेरेंट्स का और कोचेस का होना साथ बहुत लाजमी है. तो आपको बहुत सपोर्ट चाहिए होता है इसके लिए. कोच कैसे हैं आफिया के वहाँ पर? In England, they're really supportive, they're really encouraging, they're very strict, but they have to be, and that's really good. Afia, आप 3 घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं हर रोज़, आप स्कूल का काम भी साथ करती हैं, किस तरह से आखिर में तो आप exhaust. It's really tiring. You have to have a schedule, and if you miss, like, if you like go, don't do that schedule, then you might miss some homework or you might miss something, and then once you miss some, it gets like really out of control. So I have a schedule that I go to every single day. If I miss it, or sometimes if I'm too tired and I don't want to do it, then it gets like really rushed, and I don't like that. Badi behan phir help karti hai thodi bahut homework mein ya kuch agar miss ho jaye. Rania inki bahut support karti hai. So please I'll have to name Rania badi behan hai. Aur inki walida Uzma Rajput bahut supportive hai. Of course family ki support ko kuch nahi ho sakta. Aapne baat ki thi ki coaches ki, ye city of Manchester ke liye commerce ke liye swim karti hai. Wahan ke coaches bahut bahut encouraging hai. Especially jab unko pata chala ki Afia Pakistan mein ja ke swim karengi. अब देखा जाए तो आफिया उनके साथ ट्रेन करती हैं, सारी रिसोर्सेज उनके हैं. और ऑफ कोर्स देखा जाए तो ब्रिटेन और पाकिस्तान कंपैरेटर्स हैं लेकिन उनको बहुत खुशी हुई थी आफिया आके पाकिस्तान में स्विम करेंगी एंड दे वांटेड हर टू डू वेरी वेल. तो सिटी ऑफ मैनचेस्टर स्विमिंग एंड ऑफ कोर्स हर स्कूल एज वेल, बार्लो हाई स्कूल मैनचेस्टर में, वो बहुत सपोर्टिव है. और दे लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे ईमेल्स आती हैं कि आफिया कैसा परफॉर्म कर रही हैं. उनको ये पता है कि उनकी बच्ची है जो यहाँ ट्रेन कर रही है और ला कर एक वो एक अच्छा नाम उनके लिए पैदा कर रही है. यानी कि लुक फॉरवर्ड करते हैं. इसी तरह जब आफिया मैनचेस्टर में स्विम करती हैं तो हमें यही होता है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं. तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप ओवरसीज रहते हैं, कि पाकिस्तान का बहुत सही इमेज लोगों को पता चले. तो हम स्पोर्ट्स के थ्रू वी आर इंशाल्लाह जो जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम पाकिस्तान का नाम ऊपर रोशन ही करेंगे इंशाल्लाह. तो अब पाकिस्तान आकर कंपेटिटिवली स्विम करने का फैसला क्यों लिया? लेकिन एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से ही हमारे रूट्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को सही लाइट में पोर्ट्रे किया जाए. हमारी शुरू से ही नीयत ये थी कि हम पाकिस्तान की को हाईलाइट करेंगे, पाकिस्तान में कितने अच्छे टैलेंटेड लोग हैं. और इनकी बदौलत ऑफकोर्स जब स्विम करती हैं तो अपने दूसरे स्विमर्स के बारे में बात होती है इनके क्लब्स के अंदर. तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो स्विमर्स यहाँ पर हैं और कोचिंग स्टाफ है उनको मौका मिले कि वो भी मैनचेस्टर या लंदन या अमेरिका ऑस्ट्रेलिया उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि जाके इंटरेक्ट कर सकें. तो अगेन हमारे लिए ये फैसला करना कि पाकिस्तान में स्विम करें उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, वो यही था कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो. पाकिस्तान का नाम रोशन हो. आगे आप क्या ओलंपिक्स में ओलंपिक्स जाना चाह रही हैं? आई वांट टू गो टू द ओलंपिक्स एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान. आई आल्सो वांट टू गो टू द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड साउथ एशियन गेम्स. तो आगे चल के ये कुछ प्लान्स हैं. बिल्कुल, मेरे ख्याल में हर एक स्पोर्ट्स पर्सन उसका अल्टीमेट गोल यही होता है, स्पेशली स्विमिंग में, कि वो ओलंपिक्स में अपने मुल्क को वो तो अल्टीमेट ड्रीम होता है ना. एग्जैक्टली. तो आप उसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत दरकार है. ऑफकोर्स आपका एक ख्वाब होता है, अब उसके पीछे इतना ज़्यादा काम इन्वॉल्व है. तो ऑफकोर्स जब आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो यू वुड फील एक्सट्रीमली गुड. अच्छा, स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं ना उनके खाने वाने का भी बड़ा लोग ख्याल रखते हैं. आफिया को क्या पसंद है खाने में? आफिया पिज्ज़ा. अच्छा, ये स्विमिंग के लिए हेल्दी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. उसको पसंद तो पिज्ज़ा ऑफकोर्स वो खा नहीं सकती. आफिया की डाइट काफ़ी सेट है. तो इनको बताया जाता है कि कितनी कैलोरीज का इनका इनटेक होना चाहिए ऑफकोर्स, और कैसी ऐसी चीज़ें इनसे इनको
दूर रहना चाहिए तो ऑफ कोर्स जंक फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे शी कैन नॉट हैव जंक फूड फिजी ड्रिंक्स तो नाम तो नहीं जो जो भी आपको मार्केट्स में मिलती हैं वो आप नहीं ले सकते तो बहुत हेल्दी और कॉन्स्टेंटली आपको खाना पड़ता है स्विमिंग में स्पेशली ज़्यादा इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है और ये सीरियल्स वगैरह जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं मतलब दलिया स्पेशली दलिया पास्ता तो उनकी रेसेस से पहले नॉर्मली ये पास्ता खाएंगी अगेन वो इतना ज़्यादा रिच नहीं होगा फ्रूट्स बहुत खाने पड़ेंगे आपको अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं मैं ड्रिंक्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि दे आर बैड फॉर यू लेकिन नेचुरल हाई प्रोटीन डाइट्स आपको लेने पड़ते हैं कार्ब्स लेने पड़ते हैं सही मकदार में क्योंकि दिन में तकरीबन ये 4-5 हज़ार मीटर स्विम करते हैं तो अगर आप इमेजिन करें मतलब 4 हज़ार मीटर स्विम करना उसमें आपका बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न अप होती है अब बड़े बड़े जो स्विमर्स होते हैं उनकी तो डाइट्स हमने देखी वो तो नाश्ते में पता नहीं क्या कुछ खा लेते हैं हाँ। ऐसे ही होता है 10 अंडे आधी चिकन जी ऐसा ही है ऑफ कोर्स स्विमर्स ईट मोर देन यूजुअल पीपल डू बिकॉज़ दे एक्सरसाइज मोर दे नीड टू बर्न मोर कैलोरीज एंड इफ दे डोंट ईट एज मच देन दे विल गेट रियली फ्रेल एंड लाइक रियली लाइक वीक so ideal kaun hai swimmer that you look up to and Katie Ledecky she swam in the Olympics for America I think she's really good because she's in a long distance swimmer just like me so I look up to her and look at how she like her paces and her technique she inspires swimming me especially jo shelf like athlete jo bahut choti hai to normally ye bahut early age se shuru karenge kai bar ye 9 10 ki umar se competitive swimmer banenge और फिर जनरली अबाउट 20 सम तक की अच्छी स्विम करेंगे फिर उसके बाद ये इनके टाइम्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है तो केटी लेडेकी जिनकी ये बात करी है वो मेरे ख्याल में 14 या 15 साल की जब उन्होंने अपना पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता अब वो हर रेस में उनका एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है और अभी आई थिंक वो अपने खिलाफ कम्पीट कर रही हैं तो स्विमिंग में भी यही है जिस तरह कई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अगर आप इतने अच्छे हैं तो आपको अगर कोई इतना कम्पीट नहीं कर रहा तो आपको अपने मेंटली स्ट्रांग रखना पड़ता है जहाँ पे आप अपने साथ ही अपने टाइम के साथ आप जद्दोजहद करें तभी स्विमिंग के अंदर हम उसको कहते हैं पर्सनल बेस्ट तो हम हमेशा अपने पर्सनल बेस्ट टाइम को लेते हैं और उसको बीट करने की कोशिश करते हैं अगर आफिया को कोई मेडल नहीं भी आता लेकिन ये पर्सनल बेस्ट अचीव कर लें तो हमें उसकी ज़्यादा खुशी होती है कि इन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट टाइम किया पर्सनल बेस्ट अचीव कर लिया जाहिर है उसमें ज़्यादा खुशी होती है और अभी तो आपके काफ़ी माइल्स टू गो एक्चुअली है गुड लक आप ही जो आपका लाहौर में अभी जो कॉम्पिटिशन हो रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग बोथ ऑफ यू थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम थैंक यू सो मच